सब महेंद्र सिंह धोनी की कहानी जानते हैं कि कैसे वो फुटबॉलर से क्रिकेटर बने, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैसे एक इंडियन फुटबॉलर बने क्रिकेटर से फुटबॉलर? तो मैं आपको आज फुटबॉल लाचेंपा की कहानी बताऊंगा कैसे वो बने इंडियन फुटबॉलर और कैसे उनका सफर रहा सिक्किम के लाचेन पहाड़ियों से मुंबई फुटबॉल अरेना तक का सफर। फुटबॉल लाचेंपा का जन्म हुआ 4 फरवरी 1998 को सिक्किम के एक छोटे से गांव लाचेन में। फुटबॉल लाचेंपा को बचपन से ही स्पोर्ट्स में काफ़ी इंटरेस्ट था, इसलिए वो चाहते थे कि वो अपना करियर स्पोर्ट्स से बनाए, पर उनकी माँ चाहती थी कि वो अपना पूरा ध्यान लगाए उनके पढ़ाई पर उनका स्पोर्ट्स में काफ़ी सपोर्ट किया उनके बड़े भाई बहन ने। फुटबॉल को बचपन से ही क्रिकेट में काफ़ी इंटरेस्ट था, हालांकि सिक्किम जैसे स्टेट में फुटबॉल काफ़ी फेमस है, पर फुटबॉल कहते हैं कि बचपन में उन्हें फुटबॉल के बारे में ज़्यादा जानकारी ना होने के कारण वो क्रिकेट में ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगे और वो बचपन में चाहते थे कि वो क्रिकेट में एक फास्ट बॉलर बने और क्रिकेट में उनके सबसे पसंदीदा प्लेयर थे महेंद्र सिंह धोनी। पर 14 साल की उम्र में फुटबॉल ने फुटबॉल की तरफ ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया और जैसे जैसे उन्हें ऐसा होने लगा कि सिक्किम में सबसे ज़्यादा फेमस स्पोर्ट्स फुटबॉल ही है, तो उनके लिए फुटबॉलर एज अ करियर ऑप्शन अच्छा हो सकता है। और जब उन्होंने फुटबॉल खेलना शुरू किया तब उनके कोच ने उन्हें सजेस्ट किया कि वो अपना फुटबॉल करियर स्टार्ट करें गोलकीपर से। यहाँ से स्टार्ट होती है फुटबॉल लाचेंपा की जर्नी एज अ गोलकीपर। सिक्किम में गवर्नर्स गोल्ड कप नाम का एक टूर्नामेंट चल रहा था और उस टूर्नामेंट में बेहतरीन परफॉर्मेंस के चलते फुटबॉल लाचेंपा को आई लीग प्रोफेशनल क्लब से कॉल आता है और वो आई लीग प्रोफेशनल क्लब होता है शिलांग लाजोंग। आई लीग के सीजन 2016-17 में शिलांग लाजोंग के फर्स्ट चॉइस गोलकीपर होते हैं विशाल के और सेकंड चॉइस गोलकीपर होते हैं फुटबॉल लाचेंपा, लेकिन उसके नेक्स्ट सीजन में फुटबॉल लाचेंपा को क्लब का फर्स्ट चॉइस गोलकीपर बनाया जाता है और उस साल का उनका फर्स्ट मैच होता है गोकुलम केरला के साथ और उस मैच में फुटबॉल लाचेंपा अपने लिए और अपने क्लब के लिए क्लीन शीट रखने में भी सफल हो पाते हैं। शिलांग लाजोंग के बाद फुटबॉल लाचेंपा खेलते हैं रियल कश्मीर की तरफ से इन सीजन 2019-20 और उनके इसी अच्छे परफॉर्मेंस के चलते उन्हें मुंबई सिटी साइन करती है 23 अक्टूबर 2020 में एज अ सेकंड चॉइस गोलकीपर। मुंबई सिटी के लिए साइन होने के बाद सीजन 2020-21 में फुटबॉल लाचेंपा मुंबई सिटी के लिए एकमात्र मैच खेलते हैं अगेंस्ट गोवा FC और उस सेमीफाइनल में किसी भी टीम का गोल स्कोर ना होने के कारण वो मैच चले जाता है पेनल्टी शूट आउट में और पेनल्टी शूट आउट में फुटबॉल लाचेंपा पहले ही पेनल्टी सेव करते हैं एडू बेदिया की और उसी बेहतरीन सेव के चलते मुंबई सिटी उस सीजन जाती है ISL फाइनल में और उसी सीजन मुंबई सिटी जीतती है ISL कप और ISL शील्ड टाइटल। ISL शील्ड 2020-21 के चलते मुंबई सिटी FC क्वालिफाई करती है AFC चैंपियंस लीग के लिए और उसी AFC चैंपियंस लीग में फुटबॉल लाचेंपा अपना फर्स्ट डेब्यूट मैच खेलते हैं 8 अप्रैल 2022 को और सीजन 2022-23 के ISL के बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें इंडियन नेशनल टीम की तरफ से कॉलअप भी आता है फॉर ट्राई नेशन टूर्नामेंट। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो फुटबॉल लाचेंपा की, कैसे उन्होंने सफ़र तय किया लाचेन के पहाड़ियों से मुंबई फुटबॉल अरेना तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में आपकी राय ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही सपोर्ट करते रहे इंडियन फुटबॉल को। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।